नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। और इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड को लेकर जो कानूनी घमासान सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें अब एक बड़ा मोड़ आया है और एक बड़ा, हम ये कहेंगे, एक अहम चरण यहां पर आ गया है। जब 5 जजों का संविधान पीठ यानी जो सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जज हैं, संविधान पीठ है, वो बड़े सवाल उठा रही है केंद्र सरकार पर, बड़े सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार से कि ये जो योजना है चुनावी बॉन्ड की योजना, ये पूरी तरह से जो गोपनीय नहीं है, ये चुनिंदा तरीके से गोपनीय है और एक जो समान खेलने का जो अवसर है, समान अवसर किसी भी योजना में होना चाहिए। आप नई योजना ला सकते हैं जिसमें सभी के लिए समान अवसर हो, हर पार्टी के लिए समान अवसर हो, चाहे वो सत्ताधारी दल हो चाहे वो विपक्षी दल हो, सभी के लिए समान अवसर हो। लेकिन ये जो चुनावी बॉन्ड योजना जो लाई गई है, ये कहीं ना कहीं चुनिंदा है और ये चुनिंदा गोपनीयता और जो जिस तरीके से इसमें यहाँ पर रखी गई है, वो बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर विपक्षी दलों को ये पता नहीं चलेगा कि सत्ताधारी दलों को कौन चंदा दे रहा है, लेकिन सत्ताधारी दल को ये पता चल सकता है कि विपक्षी दलों को कौन चंदा दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि SBI को ये पता होता है कि किसने किसको बॉन्ड दिया है। इसके अलावा जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो आसानी से ये पता लगा सकती हैं। तो ऐसे में सत्ताधारी जो दल है उसके पास हमेशा ये एडवांटेज रहता है कि वो ये पता लगा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना जो इस बेंच में शामिल हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि इसी तरीके से जो विपक्षी दल हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं, एजेंसियां उनके पीछे लगी हैं। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की ये बेंच सुनवाई कर रही है। दूसरे दिन की अहम सुनवाई हुई है। केंद्र सरकार से जवाब तलब हो रहे हैं। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो याचिकाकर्ताएँ हैं, जिसमें ADR भी शामिल है, जिसमें CPIM भी शामिल है, जया ठाकुर जो कांग्रेस की नेता है मध्य प्रदेश से, वो भी इसमें शामिल है, उनका ये कहना है कि सरकार की ये जो योजना है चुनावी बॉन्ड योजना, ये पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है, असंवैधानिक है। क्योंकि सत्ताधारी दल को ही ज़्यादा चंदा इसमें मिलता है। आंकड़े दिए गए हैं कि 60% से ज़्यादा चंदा जो है सत्ताधारी दल को मिलता है, इसलिए इसे रद्द कर देना चाहिए। पहले भी ये मांग 2018 से चलती आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले वो इस पर फैसला अपना दे देंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है। सुनवाई तीसरे दिन की जारी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए। उन्होंने इस योजना की एक बार फिर वकालत की, इसका बचाव किया और कहा कि 2018 से पहले जब ये योजना लाई गई थी 2017 में, उससे पहले जो है उसके आंकड़े दिए गए कि किस तरीके से काले धन का इस्तेमाल इसमें होता था। चुनाव राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा दिया जाता था उसका कोई हिसाब नहीं था। डिजिटलाइजेशन किया गया, जो इसमें सारे मुद्दे को उस समय शोर मचाया गया और कहा गया कि एक सब्जी बेचने वाला कैसे डिजिटल मनी का इस्तेमाल करेगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कहाँ पर पहुँच गए हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म डिजिटल पेमेंट का बना है, ये उन्होंने दावा किया और ये भी कहा कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए इससे बढ़िया कोई योजना नहीं हो सकती थी। इससे पहले जो है वो अज्ञात स्रोत में राजनीतिक पार्टियां इस तरीके से दिखाती थी कि उन्हें नहीं पता कि गुमनाम किसने ये चंदा दिया है। 20,000 से नीचे का चंदा कैश में दिया जा सकता था और वही सब राजनीतिक पार्टियाँ 20,000 से कम का चंदा दिखाती थी और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखती थी। ये बड़ी चीज़ थी, उसी को रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए, ये भी कहा कि अगर कोई कंपनी किसी को चंदा देती है तो किकबैक की जो बात कर रहे हैं याचिकाकर्ता, ये जो योजना चुनावी बॉन्ड की है तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रे एरिया है। हो ये भी पूछा है केंद्र सरकार से कि आप बताइए कि ये कैसे सुनिश्चित होगा कि प्रोटेक्शन मनी के तौर पर सत्ताधारी दल किसी से ये चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नहीं वसूल रहे हैं, या फिर ये योजना कैसे जो है किकबैक को बढ़ावा नहीं देती, उसको कानूनी ठहराने की कोशिश नहीं करती है। ये बड़े सवाल उन्होंने पूछे। ये भी कहा है कि खेल का मैदान सबके लिए समान होना चाहिए। हम जो हैं वो सरकार को एक पारदर्शी, एक बेहतरीन योजना लाने से नहीं रोक रहे हैं। विधायिका चाहे तो इस तरीके की योजना ला सकते हैं, लेकिन इस योजना में ग्रे एरिया है, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये भी कहा है कि केंद्र सरकार
जितनी बातें कर रहे हैं उसमें बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिसके जवाब उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि जो चंदा देने वाला है ज़रूरी नहीं है कि वही इलेक्ट्रोलर बॉन्ड जो है चुनावी बॉन्ड खरीदे। हो सकता है कि चंदा देने वाला किसी और व्यक्ति को कहे कि वो ये बॉन्ड खरीदे और एक पार्टी को दे दे। ये भी बात कही गई कि ये बात ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मानी है कि एक ट्रेंड होता है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसको सबसे ज़्यादा चंदा मिलता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले से सीजीआई ने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछी भी थी कि ऐसा क्यों है कि सत्ताधारी दल को सबसे ज़्यादा चंदा मिलता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से नहीं, वो अपने अनुमान से कहते हैं, निजी अनुमान से। नेता के ऊपर बहुत निर्भर करता है, सरकार के काम के ऊपर बहुत निर्भर करता है, उसकी योजनाओं पर बहुत निर्भर करता है, और दोबारा से सरकार बनाने की जो गुंजाइश होती है, जो आसार होते हैं, उस पर ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, सरकार केंद्र सरकार लगातार इसकी वकालत कर रही है और कह रही है कि इस तरह की गुंजाइश नहीं है कि एजेंसियों के जरिए सरकार ये पता लगा ले कि विपक्षी दलों को कौन चंदा दे रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहतरीन योजना ये हो सकती है, एक सराहनीय योजना हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से ठोस योजना नहीं है, गोपनीयता चुनिंदा है और गुमनामी जो है चंदा देने वाले की वो भी चुनिंदा है, क्योंकि SBI को भी ये पता होता है और एजेंसियां जो जांच एजेंसियां हैं वो भी चाहें तो ऐसी डिटेल निकाल सकती हैं। तो बहुत बड़े मोड़ पर अब ये मामला खड़ा है, जहां पर अब केंद्र सरकार को आगे भी जवाब देने होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल पूछे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने ADR के ही आंकड़े रखे हैं और बताया कि किस तरीके से 2004 से लेकर 2014 तक किस तरीके से जो चंदा था जो राजनीतिक पार्टियों को दिया गया उसमें करीब 70% चंदा ऐसा था जो अज्ञात स्रोत के जरिए आया था, यानी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना के जरिए सिर्फ बैंक के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता है वो काफ़ी पुख्ता है और इससे जो है वो काला धन जो रोकने की जो मंशा सरकार की थी वो पूरी होती है। तो निश्चित तौर पर सवालों और जवाबों का दौर जो है अभी आगे भी चलता रहेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।